हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ CFL। ऑल्दो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, चाहे रेगुलर है, CFL, CSL, रिकर्सिव, एन्यूमरेबल, इसका पूरा टेबल जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उस टेबल में हमने सिंपली यही देखा था कि कौन सा क्लोज्ड है, कौन क्लोज्ड नहीं है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली देख रहे हैं और प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज में CFL जो है वो यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लीन क्लोजर के अंडर तो वो क्लोज्ड है, लेकिन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन में वो क्लोज्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन देखो, अगर हमारे पास लेट से कि दो लैंग्वेजेस हैं CFL, L1 एंड L2, अगर हमारे पास दो L1 और L2 CFL हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर भी जरूर होगी, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी होगी। तो उनको हमने दे दिया नाम लेट से G1 एंड G2। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे यूनियन बनाना है, तो यूनियन बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, लेट से अगर G1 जो है वो इस तरीके से है, S1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट सिंबल S1 है, और G2 जो है वो स्टार्ट सिंबल है S2। लेट सपोज अगर हम बात करें ASB, मतलब A followed by equal number of B, तो हम ऑब्वियसली क्या बना सकते हैं इसके लिए, S1 A S1 B L lambda, that is your epsilon, और let's say S2, या हम कह सकते हैं कि L2 grammar हमारे पास है B followed by equal number of C, तो let's say हमारे पास S2 है B S2 C epsilon, या आप कह सकते हो lambda, that is your null string। तो देखो अगर ये मेरी CFL है, ये भी मेरी CFG है, ये देखो context free grammar है, context free grammar है, और ये इसके corresponding language है A power N, B power N, और इसके corresponding language है B power N, C power N। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इसका union करना है, तो आपको simply क्या करना है, start symbol ले लो S, और S1 और S2 के बीच में क्या लगा दो, स्लैश। तो स्लैश जैसे लगाया, बाकी का आपका एज इट इज, मतलब S1 S2 इसके नीचे एज इट इज लिख दो, S1 और S2 के बीच में स्लैश लगाती, मतलब आपने यूनियन जो है वो दोनों का अचीव कर लिया। तो यस, CFL क्लोज्ड अंडर यूनियन। ऐसे अगर हमने करना है कंकैटिनेशन या फिर डॉट, तो कंकैटिनेशन में करने के लिए आपको क्या करना है, यही एग्जांपल ले लो, बस इसके साथ अब क्या लगा दो, S1 डॉट S2, मतलब स्लैश की बजाय आपको यहां पे क्या लगा देना, डॉट लगा देना, नीचे S1 ये एज इट इज लिख दो, S2 ये एज इट इज लिख दो, तो ये आपका कंकैटिनेशन के अंदर भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों को कंकैटिनेट करोगे, तो जो आउटपुट आएगी या जो भी स्ट्रिंग्स आप जनरेट करोगे, जो भी लैंग्वेज आप जनरेट करोगे, वो लैंग्वेज भी क्या होगी, CFL होगी। ऐसी अगर हम बात करें क्लीन क्लोजर की, तो लेट्स से लैंग्वेज L1 जो है हमारे पास CFL, उसका हमने क्लोजर लेना है। अब क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आपने उसके अंदर जो है स्ट्रिंग्स जो भी आ रही है उनका आप क्लोजर ले रहे हो, उनके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट कर रहे हो। तो उसको करने के लिए आपको अगेन सिंपल सा मेथड है कि इसकी जो है आपके पास ग्रामर अवेलेबल है, L1 अगर आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो उसकी ग्रामर क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इस ग्रामर के अंदर आपको क्या करना है, बार बार प्रोड्यूस करना है। तो बार बार प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करो, S1 S lambda, तो इससे होगा क्या, लेट्स सपोज आपने इसको, मतलब ये आपकी जो G1 है, G1 जो स्टार्ट हो रही है किससे, S1 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, S1 को मल्टीपल टाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए लेट्स सपोज अगर आप 0 टाइम प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप S से क्या करो, लैम्डा पुट कर दो, तो S1 कितनी बार प्रोड्यूस हुई, 0 बार। फिर S1 को अगर आप एक बार प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, S1 एक बार प्रोड्यूस होगी। दो बार प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो लेट्स से आप S1 S, और इस S को दोबारा से S1 S, और इस S को लैम्डा, दो बार S1। लेट्स से आप तीन बार S1 प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इस S1 के नीचे एक बार और लिख दो, और इस S को आप क्या पुट कर दो, लैम्डा। तो कितनी बार प्रोड्यूस कर दिया आपने, 3 बार जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो वही होता है स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, अगर मैं A स्टार लगाता हूं, तो इसका मतलब क्या है, 0 टाइम है, 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इस तरीके से आपको जो है वो बढ़ते जाना है। वही हम यहां पे कर रहे हैं, अगर हमारे पास लैंग्वेज है उसका क्लोजर ले रहे हैं, उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है कि उसका क्लोजर भी CFL होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर है, ग्रामर जो कि स्टार्ट हो रही है S1 से, तो हमें करना क्या है, सिंपली S1 को मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए
लिए हमने क्या लिख दिया, स्टार्ट सिंबल एस, एस वन एस लैम्डा, दैट इज योर नल। तो ये इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वॉट क्लीन क्लोजर के अंदर भी ये क्लोज्ड है। मतलब क्लोज का मतलब वही कि अगर आप क्लीन क्लोजर लेते हो सीएफएल ग्रामर का या सीएफएल लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर लेते हो तो आउटपुट क्या आएगा, सीएफएल ही आएगा। देन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेट्स से L1 इंटरसेक्शन L2। अब लेट्स से हमारे पास L1 इंटरसेक्शन L2 के केस में हमेशा याद रखना हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑलवेज की। ऑलवेज मतलब कि सारे केसेस में, जितने भी केस है सारे केस में यूनियन में क्लोज्ड होगा, कॉन्कैटिनेशन में क्लोज्ड होगा, क्लीन क्लोजर में क्लोज्ड होगा। लेकिन इंटरसेक्शन में किसी केस में क्लोज्ड हो भी सकता है। आपको सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर वो क्लोज्ड ना हो, तो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन के केस में वो क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि हम ऑलवेज वाला केस देख रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ठीक है कि इस एग्जांपल के लिए तो क्लोज्ड है लेकिन इस एग्जांपल के लिए क्लोज नहीं है, सारे केसेस के लिए, फॉर ऑल द केसेस। तो ये तीनों फॉर ऑल द केसेस के लिए क्लोज्ड है, लेकिन इंटरसेक्शन में लेट्स से हमारे पास L1 है, A पावर N, B पावर N, C पावर N, मतलब A और B जो है वो इक्वल नंबर है और फॉलोड बाय C पावर M। और लेट्स से L2 हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास L2 है A पावर M, B पावर N, C पावर N, मतलब B और C यहाँ पे इक्वल है और उनके स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ A और यहाँ पे A और B जो है वो इक्वल है उसको फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ C। अब यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन लोगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, A पावर N, B पावर N, C पावर N, एंड A पावर N, B पावर N, C पावर N इज व्हाट, इट इज एक्चुअली या CSL, CSL मतलब विच इज नॉट कम्स अंडर द CFL। ये CFL के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, दो, और CFL में सिर्फ एक कंपैरिजन अलाउड है, तो ये CSL का पार्ट आ गया। तो आप कह सकते हो कि यस इट इज नॉट अ क्लोज, इंटरसेक्शन के केस में सारे केसेस में क्लोज नहीं है, तो ऑब्वियसली क्लोज्ड नहीं है। लास्ट कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट को अगर आपको करना है लेट्स से L1 इंटरसेक्शन L2, इसको करने के लिए आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, L1 यूनियन का इंटरसेक्शन और L2 बार बार क्या हो जाएगा, L2। अब देखो लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि CFL क्लोज्ड है अंडर कंकैटिनेशन, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि यस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये क्लोज्ड है। अब देखो अगर L1 CFL है तो वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, CFL। L2 CFL है और कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हो आप इसका तो आंसर क्या आएगा, CFL। क्यों, क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि CFL क्लोज्ड है कॉम्प्लीमेंटेशन में। अब इन दोनों के बीच में क्या है, यूनियन, और यूनियन आपको पता ही है कि यूनियन हमने ऑलरेडी किया हो कि यस यूनियन के अंदर ये क्लोज्ड है, तो यूनियन और फाइनली हमारे इसके ऊपर क्या है, एक बार। तो देखो CFL मैंने पहले ही अज्यूम किया हुआ कि CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन, तो फाइनली क्या है आपका, CFL। तो देखो हमने अज्यूम क्या किया था कि CFL इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, तो अगर CFL क्लोज्ड है कॉम्प्लीमेंट में तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, CFL, मतलब L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू CFL। ये तो गलत हो गया, अभी हम प्रूव करके हटे हैं कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन CFL होगा ही नहीं, तो ये तो आपकी यानी अजम्पशन जो है वो गलत होगी। मतलब आपने जो अज्यूम किया था, जो आपने अजम्पशन ली थी, वो अजम्पशन आपकी रॉन्ग हो गई। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि यस CFL नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ CFL, और इसके ऊपर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऑफनली क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू।